जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर 10 मिलियन जर्नी। आज की वीडियो में आपको एक नए ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब से चलेगी, इस ट्रेन का स्टॉपेज क्या होगी, पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन टाटा गोड्डा के बीच चलेगी। टाटा भागलपुर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यात्रियों की बरसों पुरानी मांग पर रेलवे बोर्ड ने मुहर लगा दी है। 22 अक्टूबर से टाटा गोड्डा साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। बता दें कि 8 से 10 को रेलवे बोर्ड की बैठक में टाटा गोड्डा ट्रेन चलने पर सहमति बनी थी। इसकी जानकारी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके दे दी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा, मगर कुछ तकनीकी खामियों के कारण यह ट्रेन 22 अक्टूबर से सप्ताह में एक दिन चलेगी। यह ट्रेन टाटा नगर से सोमवार को दोपहर को 1:40 पर खुलेगी। मंगलवार को दूसरे दिन सुबह 7:20 पर गोड्डा पहुंचेगी। फिर गोड्डा से दोपहर को 2:40 पर खुलेगी। बुधवार को सुबह 6:45 पर टाटा आएगी। ट्रेन को टाटा नगर और गोड्डा के बीच क्यूल, पोरयाहाट, हसडिया, मंदार हिल, बरहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, अभयपुर, क्यूल, झाझा, जसीडी, मधुपुर, विद्यासागर, चितरंजन, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, मोरी स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। अगर आपको अच्छी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।